नाबालिग सहित चार लोगों से 40,000 रुपए से अधिक का गांजा पकड़ने में सफलता पाई है। पकड़े गए चार में से एक पर पुराने मामले भी दर्ज हैं। अशोकनगर पुलिस ने शहर के अलग अलग जगहों से चार लोगों से 4 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया है। इसकी बाजार में कीमत 40,100 रुपए बताई जा रही है। यह लोग बाहर से गांजा लाकर शहर में स्कूली बच्चों एवं युवा वर्ग को नशीले पदार्थ बेचते थे। अशोकनगर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के दिशा निर्देश में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शिवरे व SDOP गुरुवचन सिंह के मार्गदर्शन में संचालित अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अशोकनगर सिटी कोतवाली को मुखबिर से सूचना मिली थी कि संजय स्टेडियम तथा शंकरपुर मगरदाह के पास आरोपी प्रवीण शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा गांजा बिना लाइसेंस से गांजा विक्रय कर रहा है। इस पर पुलिस द्वारा एक टीम बनाकर इन स्थानों पर दबिश दी गई और इन गांजा तस्कर करने वाले आरोपियों को धर दबोचा गया। मादक पदार्थों की शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस अवैध मादक पदार्थों के परिवहन से और उसके सप्लाई से और उसके कंजम्पशन से पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही थी। इसमें काफ़ी युवा वर्ग और छात्र लोग इसका सेवन कर रहे थे और इसकी वजह से काफ़ी घर परिवार बर्बाद हो रहे थे। अपने छात्रों से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। युवा वर्ग उनमें रोजगार को छोड़ के नशे की लत में घूमता जा रहा था और ये एक भयंकर सामाजिक समस्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। अशोकनगर काफ़ी इससे परेशान था और उसे लंबे समय से जूझ रहा था। इसी दिशा में पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए इसमें चार आरोपियों को पकड़ा है। इसमें संजय स्टेडियम से आरोपी प्रवीण शर्मा जिसके पास से 1150 ग्राम गांजा पकड़ा है जो जिसकी कीमत 10,000 रुपये के आसपास है। दूसरा शंकरपुर मगरदा के पास 1100 ग्राम गांजा पकड़ा है। तीसरा पठान मोहल्ला से 1100 ग्राम गांजा पकड़ा है और चौथा टोपिया मंदिर गोशाला से आरोपी भूरा जगदीश लोधी। इस प्रकार कुल चारों आरोपियों से 4 किलो से ज्यादा गांजा और अवैध मादक पदार्थ की जब्ती पुलिस। अशोकनगर से ग्राउंड रिपोर्टर संजय नामदेव की रिपोर्ट।